भगवान, इतना सारा आम है, मैं क्या करूंगी इस आम का? कोई खा भी नहीं रहा है, सब सड़ जाएगा। ये इतना सारा है और आप और ले आए, क्या है खाओ? कौन खाएगा इतना सारा है? हम लोग खाएंगे, कौन खाएगा? हाँ तो खाओ आप ही लोग इतना सारा का। कुछ और बना लो। क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। जैसे जैसे क्या आइडिया? क्या बताती हूँ, रुको जरा सबर करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट्स बेसू। तो गाइज, जैसा कि आपने कल देखा कि मेरे घर पे कितने सारे आम हैं, तो क्या ऐसा आप लोग के घर पे भी हो रहा है? अभी तो सीजन ही ऐसा चल रहा है और इस सीजन पे आम इतने ज्यादा हैं कि हर किसी के घर में आम पड़े हुए हैं। तो क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इन आम का, कैसे यूज करें? क्या आप भी बस आम की स्लाइस खा के थक चुके हैं? तो फिर ये वीडियो बस आप ही के लिए है। चलिए देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की पापड़ी, जिसको बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे आम का पापड़ भी कहते हैं या फिर अमावट कहा जाता है। अमावट मैंने बहुत पहली बार सुना है, वैसे तो जनरली हम लोग आम पापड़ी ही कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आम की पापड़ी बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट तो आम, शक्कर और नींबू का रस। ये मैंने 1 किलो आम को छीलकर अच्छे से कट कर लिया है और उसका पल्प निकाल लिया है। ये लगभग 150 ग्राम शक्कर है और 1 नींबू का रस है। तो गाइस, सबसे पहले हम इस मैंगो को जो है ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो गाइस, ये पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसे एक महीन पूरी तरह से एकदम पीस लेंगे। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। तो गाइस, कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और अब इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मैंगो पल्प। अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा पकाते रहना है और इसे चलाते रहे बीच बीच में, रुके ना इसमें। सो गाइस, अब इसमें हम डालेंगे ये शक्कर। ये शक्कर मैंने 150 ग्राम आसपास लिया है। आप चाहे तो इससे कम भी डाल सकते हैं अगर कम मीठा पसंद है आपको तो। और अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे थोड़ी देर में छोड़ छोड़ के अब चलाना है शक्कर आराम से, ताकि ये खुलता रहे, और इसे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में देर में चलाते रहे। सो गाइस, ये देखिए ये पक रही है। इसे हमें ऐसे ही लगभग 20 से 25 मिनट तक पकाना है, जब तक ये थोड़ा और गाढ़ा ना हो जाए, और इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। सो गाइस, ये देखिए ये लगभग आधी सूख चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो चलिए नींबू का रस डाल देते हैं। ये मैंने 1 नींबू का रस लिया था और उसे अच्छे से निचोड़ लिया था और छान लिया था। अब इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे लगभग 5 मिनट तक आप ऐसे ही पकाते रहें, फ्लेम को थोड़ा कम कर दें। सो
सो गाइस ये अब हो चुका है, पूरी तरह से पक चुका है। इसका कंसिस्टेंसी भी पूरा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इस तरह से गाढ़ी करनी है आपको, इतनी गाढ़ी रहेगी। अब हम इसे ये पूरी तरह से हो चुका है, अब हम इसे बंद कर देते हैं। गाइस ये थोड़ी ठंडी हो तब तक हम इसके लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इसे सुखाएंगे। सो गाइस इसे सुखाने के लिए हमने एक प्लेट लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह में आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, बाकी हम इसे ऑयल में ही करके सुखाएंगे। अब इसे पूरी तरह से थाली में फैला लेना है। सो गाइस ये पूरी तरह से फैला रहे हैं हम इसे साइड में थाली के। पूरी तरह से इस पे लगा लेने के बाद अब इसमें हम जो आम पापड़ी के लिए हमने आम तैयार किया है उसे इसमें डाल लेते हैं और धूप में सूखने के लिए रखेंगे। सो गाइस ये देखिए मैंने इसे प्लेट में डाल लिया है। ये मैंने दो थालियों में डाला है, यहाँ पे को एक ही दिखा रही हूँ, अभी एक पे नहीं डाला है। इसे हम दो दिन तक धूप में सुखाएंगे। अगर धूप अच्छी है तो दो दिन में ये सूख जाते हैं, अगर थोड़ी कम आ रही है तो तीन दिन लग जाता है इसे सूखने के लिए। और गाइस जब आप इसे धूप में डालें तो इसके ऊपर कोई कपड़ा या छन्नी डाल दें जिसपे इसे कचरा या कोई धूल ना पड़े। तो चलिए फिर मिलते हैं दो दिन के बाद। सो गाइस ये पूरी तरह से सूख चुका है, इसे हमने तीन दिन तक कड़ी धूप में सुखाया है तब ये जाकर इस तरह से सूखा है। चलिए मैं इसे अब कट करके दिखाती हूँ आपको। गाइस आप इसे किसी भी शेप पे कट कर सकते हैं, मैं यहाँ चौकोन शेप में बना रही हूँ। आपके पास अगर कोई कटर है तो आप उससे भी गोल शेप में या फिर स्टार शेप में किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये इजीली कट जाता है गाइस, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें चाकू से ही मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए गाइस ये इस तरह से है, स्लाइस की तो बनी है, कितनी मोटी मस्त स्लाइस जमी हुई है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट में आपको। सो गाइस इस तरह से आप मैंगो का स्लाइस बना सकते हैं, यानी कि मैंगो की पापड़ी, आम की पापड़ी बनाएं और इंजॉय करें। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सो गाइस कैसे लगी है आपको आम की पापड़ी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।